अंबिकापुर से सरगुजा पत्रकार संघ के बैनर तले पत्रकार क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल के दूसरे दिन भी स्थानीय गांधी चौक पर इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया के साथ प्रिंट के पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। और तो और, पत्रकारों की हड़ताल को देखते हुए कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोगों के साथ कानूनविद भी हड़ताल के समर्थन में आ गए। गौरतलब है कि जिले के एक पत्रकार मनीष सोनी के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों द्वारा एक झूठी शिकायत की गई थी और अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने झूठे वीडियो साक्ष्य के आधार पर FIR दर्ज की थी, जिसके विरोध में पत्रकारों ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, ये पत्रकारों की सुरक्षा के कानून का भी समर्थन है, प्लस जो पत्रकार मनीष सोनी है उनके विरुद्ध जो अपराध दर्ज किया गया है बिना जांच पड़ताल का गलत तरीके से किया गया है, उनके समर्थन में हम लोग आए हुए हैं और हम पूरा समर्थन करते हैं। क्योंकि आज नहीं तो कल, आज एक पत्रकार के विरुद्ध हुआ है, वो सच्चाई को दिखा रहा था। अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी तरह का एडिटिंग करके और गलत तरीके से पेश करता है तो वो गलत है, तो उसकी जांच करने के बाद ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए और बिना जांच पड़ताल के FIR दर्ज किया जाएगा, ये गलत है। और इन मांगों जो आप पत्रकार साथियों की जो मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए और किसी भी पत्रकार के विरुद्ध कोई भी शिकायत आए तो विधिवत पहले जांच हो और पूरी जांच होने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन शासन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। आप लोगों की जो मांग है उसके समर्थन में हम लोग पूरी सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए जो भी कार्रवाई होगी हम साथ देंगे और न्यायालयीन प्रक्रिया में जो भी मेरा सहयोग होगा मैं पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लगाने की भी तैयारी हो तो मैं वहाँ पूरा समर्थन देने के लिए आप लोग का तैयारी कर रहा हूँ। लोकतंत्र की हत्या सरगुजा में हुई है। पत्रकारिता जो आज पूरे प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने आज यहां पर सरगुजा पत्रकार संघ को समर्थन दिया है। माननीय अमित जोगी जी को जैसे ही सरगुजा के बारे में पता चला वैसे ही उन्होंने मुझे फ़ोन करके मुझसे कहा कि आप जाके उनको समर्थन दीजिए पत्रकार संघ को। उसी तारतम्य में आज हम लोग पत्रकार संघ को यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं। बिना किसी जाँच तत्काल FIR जो दर्ज की गई है। भाई मनीष सोनी बहुत लंबे समय से दशकों से यहाँ पर पत्रकारिता करते आए हैं और उनकी पत्रकारिता पर आज तक किसी ने प्रश्नचिन्ह नहीं उठाया। एक झूठे प्रकरण में फंसाकर उनके ऊपर जो FIR की गई है उसे तत्काल रद्द करने की मांग हम लोग भी करते हैं और जिस पीड़ित परिवार के पक्ष में मनीष सोनी जी ने खबर चलाई थी उसको उचित मुआवजा भी देने की मांग करते हैं और जल्द से जल्द पत्रकारों के पक्ष में जो अधिनियम लागू होना चाहिए था वो आज तक नहीं लंबित पड़ा हुआ है, उसे भी तत्काल लागू किया जाए। इन सब मांगों को लेकर जनता कांग्रेस सरगुजा पूरे तमाम साथियों के साथ यहां समर्थन दे रही है और आगे भी सड़कों तक लड़ाई लड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।